तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ, नबी इसाईस का ग्रंथ, अध्याय 58, पद संख्या 7 से 10 तक। प्रभु ये कहता है, अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराओ, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाओ और अपने भाई से मुँह ना मोड़ो, तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच में से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पद दलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, भक्त धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। भक्त धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वह धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वह दयालु कोमल हृदय और न्यायप्रिय है। वह तरस खाकर उधार देता और ईमानदारी से अपना कारोबार करता है। अनुवाक्य, भक्त धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वह सन्मार्ग से कभी नहीं भटकेगा, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। वह विपत्ति के समाचार से नहीं डरता, उसका मन दृढ़ रहता है, वह प्रभु पर भरोसा रखता है। अनुवाक्य, भक्त धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वह ना तो घबराता और ना डरता है, वह उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान देता है, उसकी न्यायप्रियता सदा बनी रहती है, उसकी शक्ति तथा ख्याति बढ़ती जाएगी। अनुवाक्य, भक्त धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। दूसरा पाठ, कुरिन्थियों के नाम, संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 1 से 5। भाइयों, जब मैं ईश्वर का संदेश सुनाने आप लोगों के यहाँ आया तो मैंने शब्दांडबर अथवा पांडित्य का प्रदर्शन नहीं किया। मैंने निश्चय किया था कि मैं आप लोगों से यीशु मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं करूंगा। वास्तव में मैं आप लोगों के बीच रहते समय दुर्बल, संकोची और भीरु था। मेरे प्रवचन अथवा मेरे संदेश में विद्वतापूर्ण शब्दों का आकर्षण नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति थी, जिससे आप लोगों का विश्वास मानवीय प्रज्ञा पर नहीं बल्कि ईश्वर की शक्ति पर आधारित हो।
यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, अलेलुया। अनुवाक्य, अलेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। अनुवाक्य, अलेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 5 पद संख्या 13-16। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता, वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहाँ से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।